हेलो फ्रेंड, चलिए जीव विज्ञान साइंस का महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, उसको देखते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। फिर जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, पहली है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और दूसरी है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेबिनेरस द्वारा सबसे पहले किया गया। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तो एग्रेस्टोलॉजी, ये घासों का अध्ययन होता है इसमें। एंथोलॉजी, इसमें फूलों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी, इसमें कोशिकाओं का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होता है। एथनोबॉटनी, इसमें आदिवासियों द्वारा पादपों के प्रयोग का अध्ययन होता है। एम्ब्रियोलॉजी, इसमें भ्रूण का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर, इसमें सजावटी फूलों का अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी, इसमें आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी, इसमें ऊतकों का अध्ययन होता है। पेलियोबॉटनी, इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियों उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन होता है इसमें। और सिल्वीकल्चर, इसमें वनीय वृक्ष तथा उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मियोलॉजी, इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर माइकोलॉजी, इसमें कवकों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी, इसमें औषधि पौधों का या औषधि पादपों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी, इसमें फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तो हेमेटोलॉजी, ये रुधिर नड का अध्ययन है इसमें। सार्कोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। इथोलॉजी, जंतु के व्यवहार का अध्ययन। एथनोलॉजी, इसमें मनुष्य की जातियों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। फ्रीनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी, इसमें मानव सौंदर्य का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। सुजननिकी, इसमें यूजेनिक्स इसको कहा जाता है। तो अनुवांशिक नियमों के आधार पर आने वाली पीढ़ियों में सुधार का अध्ययन किया जाता है। यूथेनिक्स, इसमें मनुष्यों की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार किया अध्ययन किया जाता है। यूफेनिक्स, तो इसमें जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, यानी अनुवांशिक और जीन संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता ली जाती है इसमें, यूफेनिक्स में। फिर जीवधारियों को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जानरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आधुनिक वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार जानरे ने दिया था और आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन लिनियस के द्वारा किया गया। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस है। दो जगत होते हैं ना, दो किंगडम होती है, एक तो पादप यानी प्लांट किंगडम और दूसरा जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एच आर हिटेकर ने इसका वर्गीकरण किया है। तो पहला है मोनेरा, तो इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव इसके अंतर्गत आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा, तो इसके अंतर्गत विविध प्रकार के एक कोश के जीव इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, युगलीना, प्रोटोजोआ। फिर पादप यानी प्लांटेई, तो इसमें बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव इसमें शामिल है, फॉर एग्जाम्पल शैवाल, माश, मॉसेस है। फिर कवक यानी फंगई, तो इसमें सभी यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी आते हैं, अवशोषण द्वारा इनका पोषण होता है और कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। तो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, याद रखिए। फिर एनिमेलिया, तो इसमें इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। सभी बहुकोशिकी यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं। नोट, युगलीना एवं क्लेमिडो मोनास में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। कोशिका जीवन की इकाई, तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। चलिए, तो कोशिका, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका के संगठन का अध्ययन किया, बल्कि जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने मृत कोशिका का अध्ययन किया था। फिर कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी, तो 1938 में एम जे स्लाइडन ने दिया। 1939 में
थियोडोर स्वान ने दिया, तो स्लाइडन एंड स्वान ने मिलकर इसको दिया था। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं जीवधारियों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम तथा सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल होती है। शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा सबसे भारी एवं बड़ी कोशिका है तथा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम नामक परजीवी की होती है। नोट, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी ये एक्सेप्शन है कोशिका सिद्धांत का, क्योंकि पहले यह निर्जीव होता है लेकिन जीवधारियों के शरीर में प्रवेश के बाद सजीवों के लक्षण दर्शाता है। कोशिका के प्रकार, तो पहला है यूकैरियोटिक यानी पूर्ण विकसित कोशिका होती है ये, और ये प्रोकैरियोटिक ये अर्धविकसित होती है। तो पूर्ण विकसित केंद्रक होता है इसमें, फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें, फिर केंद्रक कला होता है, न्यूक्लियोलस होता है, तथा कोशिकांग पाए जाते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक, केंद्र कला यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। विषाणु जीवाणु ब्रूग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी पौधे और जंतुओं में पाई जाती है ये। जीवाणु विषाणु बैक्टीरियोफेज तथा हरे नीले शैवाल में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कोशिका की संरचना देख लेते हैं, तो ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लाज्मा झिल्ली है ये, प्लाज्मा झिल्ली, फिर ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, सेंट्रोसोम है ये, फिर माइक्रो फिलामेंट है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम होते हैं, और चिकनी अंतः दबी जालिका मैंने, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। फिर ये पराक्सी सोम है, रसधानी है, रसधानी, तो इसे रिजर्वायर कहा जाता है। कोशिका द्रव है तो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म यहाँ होता है। फिर गॉल्जी विसाइकल, गॉल्जी उपकरण ये है। फिर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन केंद्रिका, ये पूरी केंद्रिका है, जालिका केंद्रक है। खुरदुरी अंतः पदवी जालिका, तो ये परफिंडो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये राइबोसोम है, राइबोसोम इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ये पादप है, तो इसमें भी राइबोसोम केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका, कोशिका द्रव ये सब पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति इसमें, तो इसमें जो मतलब जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर केंद्रिका झिल्ली अंतःपादपीय जालिका है, गॉल्जी उपकरण है ये, गॉल्जी पुटिका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्लोरोप्लास्ट है, एक प्रकार का लावक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता जंतु कोशिका, और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चलिए, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यह सेलुलोज की बनी होती है, कवकों एवं ईस्ट में यह काइटिन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली मेम्ब्रेन प्लाज्मा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यह कोशिका द्रव्य की बाहरी सीमा होती है। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों के अंदर आने जाने का नियंत्रण रखती है। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, तो कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना, यानी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ माना है इसको। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है, ये भी याद रखिएगा। फिर साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव्य है इसको कहते हैं। तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्र के बीच होता है साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो कोशिका जो द्रव्य है वो ये इस वाले पार्ट को कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति हो गई, ये कोशिका भित्ति हो गई और ये केंद्रक हो गया, और इसके बीच का भाग ये पूरा ये वाला भाग क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अंतः प्रदपी जालिका, राइबोसोम, गॉल्जी काय, लाइसोसोम, माइट्रो माइक्रोकॉन्ड्रिया आदि। रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स, यह प्राय पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, यानी प्लांट सेल में ये पाई जाती हैं। फिर
रिक्तिकाओं के चारों ओर केंद्रिका द्रव की एक पतली परत और झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका द्रव के प्रमुख भाग और उनका कार्य, तो कोशिका के भाग, खोजकर्ता और कार्य, तो केंद्रक। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन है, जो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारी प्रोटीन के मिश्रण से बना होता है। तो केंद्रक, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन है, जो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारी प्रोटीन के मिश्रण से बना होता है। इसके खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कार्य क्या है? ये कोशिका का उपापचयी कार्य कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो कोशिका का उपापचयी कार्य और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है इसे। यहाँ सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। सी वेंडा ने इसकी खोज की थी। ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में यहाँ होता है। और केंद्रक के बाहर, यानी जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। तो जो डीएनए है दो जगह पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा केंद्रक यानी न्यूक्लियस में। राइबोसोम, जिसपे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, पहले डेज के खोज करता है, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करता है। लाइसोसोम, तो डी डुबे ने इसकी खोज की थी, इसे आत्महत्या की शैली कहा जाता है, तो सुसाइड, बैग ऑफ सुसाइड कहा जाता है। फिर जीव कोशिकाओं को नष्ट करता है, इनका इसका काम होता है। फिर तारक का है, तो इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। इसकी खोज बावेरी ने की थी और ये केवल जंतुओं में कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अंतः प्रदेपी जालिका, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के बीच संबंध स्थापित करता है। गॉल्जी का है, तो इसे कैमिलो गॉल्गी ने खोजा था और कोशिका भित्त था, सेल प्लेट का निर्माण करता है। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। इसके द्वारा कोशिका के अंगों का निर्माण किया जाता है। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अंतः प्रदेपी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र की उपमा दी जाती है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे कोशिका के कंकाल तंत्र की संज्ञा दी जाती है। कोशिका में गॉल्जी का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है गॉल्जी का। हरे नीले शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। प्लास्टिड वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। पॉली राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन सिंथेसिस के समय होता है। उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, तो उपापचय क्रियाओं के कारण कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संचित पदार्थ यानी एक्युमुलेटेड मटेरियल। संचित पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, नाइट्रोजनी पदार्थ एवं एमाइडस पाए जाते हैं। इनका निर्माण पौधों की कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है तथा यह पौधों के लिए पोषक पदार्थ होते हैं। स्त्रावित पदार्थ यानी सिक्रेटरी मटेरियल, तो यह मुख्यतः रंग देने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, पीला रंग जंथोफिल के कारण होता है, बैगनी रंग गुलाबी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेकों उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं होते, अतः उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में से सूख कर रह जाते हैं। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ तो क्यूनीन है। सिंकोना पौधों की छाल से निकाला जाता है, मलेरिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। रेपरसीन, तो यह राउल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे से प्राप्त होता है। रक्तचाप के दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। निकोटिन तंबाकू के पत्तियों से प्राप्त होता है। थाइन, तो ये चाय के पत्तियों से निकाला जाता है। थाइन मार्फिन पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त की जाती है। दर्द निवारक दवा और नींद लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। एट्रोपिन, तो यह एट्रोफा बेलाडोना नामक पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। टेनिन्स, तो ये कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं। चमड़े और औषधि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। रेजिन, यह पीले रंग का जल में अघुलनशील एवं इथर व एल्कोहल में घुलनशील पदार्थ होता है। तारपीन का तेल, तो ये चीड़ के तने से प्राप्त एक रेजिन है। विषाणु यानी वायरस, तो वायरस उन रोग जनक कणों को कहा जाता है जिनमें कोशिका द्रव, कोशिका कला तथा अन्य कोशिकांग नहीं होते हैं। तो इसमें कोशिका द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस नहीं होते हैं, कोई ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है यह, और जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। खोज, तो तंबाकू में मोजेक रोग की खोज करते समय रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने इसकी खोज कर डाली।
पादप विषाणु इनका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, जैसे टी एमबी पीला मोजेक विषाणु। जंतु विषाणु तो इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए पाया जाता है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, मम्स वायरस। ये महत्वपूर्ण, सबसे छोटा वायरस टोबैको नेक्रोसिस है और सबसे बड़ा वायरस पोटैटो फीवर। संरचना तो प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। कुछ प्रमुख वायरस तो टीएमबी, इसमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। पादप और प्लांट वायरस, तो फिर हर्पीज वायरस तो डीएनए वायरस होता है। चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न होता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, इन्हें जीवाणु भोजी भी कहा जाता है। इनमें डीएनए पाया जाता है, फॉर एग्जांपल टी टू फेज। साइनोफेज तो नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को, ब्लू ग्रीन एल्गी को साफ करने में इसका प्रयोग होता है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, वायरस निर्जीव और सजीव के बीच कड़ी कार्य करते हैं। वायराइड तो यह मात्र छोटे आरएनए खंड होते हैं, इन पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता। इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नारियल में कंदक रोग अथवा तथा आलू में तुर्क कंद रोग इन्हीं के कारण होता है। प्रियांत, प्रियांत क्या है कि ऐसे संक्रामक रोग कारक जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। भेड़ों में स्क्रेपी रोग तथा गायों में मैडकाउ रोग इसी के कारण होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, तो जीवाणु हरित लवक रहित यानी नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, एक कोश की यानी यूनिसेलुलर या बहुकोश की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। खोज तो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉग ने इसकी खोज की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का यानी बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। हरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया, हरेनबर्ग ने। फिर संरचना क्या है, तो ये एक कोश की यूनिसेलुलर होते हैं। कोशिका द्रव्य में अंतः द्रव्य जालिका तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। लाभदायक जीवाणु तो राइजोबियम होता है पहला, ये भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है। लैक्टोबैसिलस इसमें दूध से दही में परिवर्तित करता है ये। एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका विनेगर के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। हानिकारक जीवाणु तो क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम, तो ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम, बोटुलिनियम। फिर बैसिलस डिनाइट्री फिकेशंस, ये डिनाइट्रीकरण में इसका उपयोग होता है। फिर सोडोमोनास सोले निसी एरम, ये आलू में शैथिल रोग उत्पन्न करते हैं। साइनोबैक्टीरिया तो ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल को कहते हैं। पृथ्वी का सफलतम जीवाणुधारियों का समूह है, ये पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। फिर आसिलेटेरिया स्पायरुलिना एनाबीना जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया जलीय जंतुओं के लिए भोजन का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जीवक तो ये फोटोसिंथेटिक जीवाणु होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्रोमेटियम और रोजो स्पिरिलियम इसके उदाहरण है। फिर रसायन संश्लेषण तो कार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। परजीवी यानी पैरासिटिक तो दूसरे जीव पर आश्रित जीव, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबैक्टीरियम। सहजीवी यानी सिम्बायोटिक तो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन उसे हानि नहीं पहुंचाते हैं, जैसे राइजोबियम। प्रोटोपजीवी यानी सेप्रोफिटिक तो मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। डीएनए तो डी ऑक्सी न्यूक्लियो एसिड इसका नाम है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें थायमिन साइटोसिन एडनिन और ग्वानिन पाया जाता है। फिर इसमें शर्करा डी ऑक्सी राइबोज प्रकार की पाई जाती है, इसमें फास्फोट समूह भी पाया जाता है। और शर्करा का आधार क्या होता है, फास्फेट आधार होता है, ये हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, तो जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। मॉडल तो 1953 में वाटसन और क्रिक ने, और इसीलिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने प्रोवाइड किया, तो द्विकुंडलित मॉडल इन्होंने प्रोवाइड किया। डीएनए का निर्माण डीएनए का द्विगुणन प्रक्रिया यानी रिप्लिकेशन द्वारा होता है, यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो डीएनए तो इसमें नाइट्रोजन क्षार होता है, तो नाइट्रोजन क्षार के दो प्रकार होते हैं, प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन आते हैं, और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन होते हैं। डी ऑक्सीराइबोज शुगर होती है, तो
उसका नाम क्या है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है H3PO4। अनुसंख्या के आधार पर एडिनिन और थायमिन बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन में, मतलब इसमें द्विबंध होता है, डुअल बॉन्ड होता है एडिनिन और थायमिन में और ग्वानिन और साइटोसिन में। तो ATGC इस क्रम में पाए जाते हैं। फिर RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो रचना में DNA से बेस का अंतर थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, तो इसमें जो थायमिन है, थायमिन है ये, इसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। यह केंद्रक के तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। DNA तीन प्रकार के होते हैं, mRNA इसको मैसेंजर RNA कहा जाता है, तो RNA पर अंकित सूचनाओं को राइबोसोम पर लाना, rRNA तो निर्माण केंद्रिका में पूरे RNA का 80% राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता, tRNA यानी ट्रांसफर RNA तो प्रोटीन अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना इसका कार्य होता है, डुप्लीकेशन तो DNA से DNA बनाने की विधि को डुप्लीकेशन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन तो DNA से RNA बनाने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ट्रांसलेशन तो mRNA से प्रोटीन बनाने की विधि को ट्रांसलेशन कहा जाता है। पादप जगत, तो पादप जगत कितने प्रकार का होता है, पहला थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा में तीन भाग होते हैं, इसे टेरिडोफाइटा, फिर अनावृत बीजी और आवृत बीजी, इसमें एक बीजी पत्री और द्विबीजी पत्री पाए जाते हैं। तो थैलोफाइटा इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। शैवाल अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल प्रायः पर्ण हरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, भ्रूण रहित, आत्मपोषी, सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ प्राय स्टार्च के रूप में पाया जाता है। फिर इसका जड़ तना, इसका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। शैवाल का वास स्थान, तो शैवाल ताजे जल, गर्म जल के झरने, समुद्री भींगी मिट्टी, पेड़ों के तनों और चट्टानों पर पाए जाते हैं। कारा शैवाल तो जल के तल पर उपस्थित कीचड़ में रहता है। डिबुलेरिया तो गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। डायटा में वो बालवाक्स तो पानी में तैरते रहते हैं। फिर उडोगोनियम ये अधिपादप के रूप में दूसरे पौधों के टहनियों पर उगते हैं। उडोगोनियम प्रोटोडर्मा ये कछुओं की पीठ पर उगते हैं। जुक्लोरेला ये हाइड्रा के अंदर पाए जाते हैं। सी फेल्यूरोस ये चाय पत्ती की पत्तियों पर, है ना, चाय काफी की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। सी फेल्यूरोस असिलिटोरिया व साइमन सीएला, असिलिटोरिया एवं साइमन सीएला मनुष्य एवं दूसरे जंतुओं के अंतड़ियों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। सारगासम समुद्र में पाए जाते हैं। ट्राइकोडेसिमियम एरिथ्रियम लाल सागर में पाए जाते हैं, इनके कारण लाल सागर का जल लाल रहता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्रिप्टोफाइटस कहलाते हैं। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल लिथोफाइटस कहलाते हैं। शैवालों में तीन प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफाइसी ये हरा वर्णक होता है, रोडोफाइसी ये लाल वर्णक होता है, और थियोफाइसी भूरा वर्णक होता है। आर्थिक महत्व तो अलवा जापान के लोग सलाद के रूप में उपयोग करते हैं। नोस्टोक चीन में भोजन के रूप में इसका उपयोग होता है। रोडोमेरिया पालमेटा स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में इसका उपयोग होता है। अम्लीकरण तो भारतीय उपमहाद्वीप में खाने के रूप में इसका उपयोग होता है। सबसे छोटा शैवाल एसिटा बुलेरिया और सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टस कहा जाता है। हानिकारक शैवाल तो माइक्रोसिस्टस क्रोकोकस ओसिलिटोरिया, जल में ये शैवाल जहर पैदा करते हैं जिससे जल की मछलियां मर जाती हैं। सिफेल यूरोस चाय में लाल कीट रोग है ये। सिफेल्यूरोस कवक यानी फंगई, तो इसमें इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक हरित लवक रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा होते हैं। विविध पोषी यानी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक मूल कवक का चीड़ के साथ सहजीवन होता है। कवक चीड़ को खनिज लवण एवं जल प्रदान करता है तथा चीड़ कवक को खाद्य पदार्थ देता है। पोषक तीन प्रकार के होते हैं, सहजीवी फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, परजीवी तो इसमें पाक्सिनिया और आस्टिलागो है।
मतोपजीवी इसमें राइजोपस और पेंसिलियम आते हैं। आर्थिक महत्व तो एग्रिकस छत्राक यानी एग्रिकस गुच्छी सब्जी के रूप में इसका उपयोग होता है। स्पर्जिलस पेनिसिलियम ये पनीर उद्योग में इसका उपयोग होता है। ईस्ट ये एल्कोहल में इसका उपयोग होता है। और सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी ये डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग होता है। हानियां तो कुछ कवक जैसे राइजोपस म्यूकर स्पर्जिलस खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। एफ्लाटॉक्सिन इसमें प्राकृतिक कैंसर जनित पदार्थ होते हैं। कवक से फसलों में होने वाले रोग, पहला है सरसों का सफेद टिड्डा रोग, मूंगफली का टिड्डा रोग, टिक्का रोग है ना, इसमें सरसों का सफेद कीट रोग हो जाता है, मूंगफली का टिक्का रोग, गेहूं का लाल रस्ट, बाजरे का अर्गठ रोग हो जाता है। लाइकेन तो थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। कवक का जल खनिज लवण विटामिन आदि शैवालों को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। नोट, वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। यह उष्णकटिबंधीय वनों में टुंड्रा प्रदेशों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उन्हें कार्टिकोल्स कहा जाता है और चट्टानों पर उगने वालों को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। आर्थिक महत्व, मृदा निर्माण में सहायक। रोसेला लाइकेन से प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। लाइबेरिया इर्बेनिया से इत्र बनाया जाता है। पार्मेलिया सेक्स टिलिस का उपयोग मिर्गी रोग की औषधि बनाने में किया जाता है। पिल्टोजेरा ये हाइड्रोफोबिया की दवा बनाने में पिल्टोजेरा का उपयोग होता है। और आसेनिया का उपयोग एंटीबायोटिक दवाई बनाने में किया जाता है। ब्रायोफाइटा ये पौधे स्थली होने के साथ साथ छायादार एवं नम स्थानों पर उगते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन स्पष्ट रूप से पाया जाता है। दोनों पीढ़ियां युग्म कोभेद यानी गेमेटोफाइट तथा बीजाणुभेद स्पोरोफाइट कहलाती हैं। प्रोफेसर आर एस कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण है संवाहक ऊतकों अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव। ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण तीन प्रकार के होते हैं। ये पहला वर्ग हिपेटिसी या लीवर हर्ट, वर्ग एंथो सिरोटी और वर्ग मसाई। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूओप्सिस। उपयोग तो मृदा अपरदन रोकने में सहायता करते हैं। स्फेग्नम ईंधन के रूप में इसे पीट ऊर्जा कहते हैं। मांस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। ट्रैकियोफाइटा ये पौधे वे पौधे जिनमें संवहन ऊतक वास्तविक जड़ तना एवं पत्तियां पाए जाते हैं। तीन प्रकार के होते हैं टेरिडोफाइटा अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म और आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा तो इस वर्ग के अंतर्गत पर्ण हरिम युक्त एवं संवहन युक्त संवहन ऊतक युक्त अब पुष्पोभिद पौधे होते हैं। इसमें शकीय पौधे और जलीय पौधे दोनों होते हैं। जलीय पौधों में मर्सीलिया सल्विनिया जलीय फर्न एजोला प्रमुख है। आर्थिक महत्व तो एक्विसेटम में से सोना निकाला जाता है। टेरिडियम पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लाइकोपोडियम के बीज दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फर्न की विभिन्न जातियां सजावटी पौधों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मार्सीलिया एवं सेरेटोप्सिस पौधे सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अनावृत बीज यानी जिम्नोस्पर्म तो ऐसे पौधे जिनके बीज में आवरण या कवक नहीं पाया जाता। प्रमुख लक्षण तो इनके बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता। ये मरुद्भिद होते हैं। वायु परागण होता है और बहुभ्रूणता पाई जाती है। आर्थिक महत्व तो साइकस से साबुदाना बनाया जाता है। चीड़ सिकोया देवदार फर स्प्रूस आदि से लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। इफेड्रा नामक पौधे से इफेड्रीन नामक औषधि बनाई जाती है जिसका प्रयोग खांसी दवा के इलाज में किया जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। टेनिन चमड़ा एवं स्याही बनाने काम में आता है ये। और चीड़ के बीज से चिलकोना जिम्नोस्पर्म मेवा प्राप्त होता है जो खाने में काम आता है। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म तो इसमें जीव सदैव फल के अंदर होते हैं। साक यानी हर्ब्स झाड़ियां स्क्रब्स तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। तो ये मृदोपजीवी यानी स्कैप्रोफाइट होते हैं। परजीवी यानी पैरासिटिक और सहजीवी यानी सिम्बायोटिक कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवोरस तथा स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स के रूप में पाए जाते हैं।
दो प्रकार के होते हैं, पहला एक बीजी यानी मोनोकोटिलेडोनी और द्विबीजपत्री यानी कोटिलेडोन्स। बीजों में एक पत्र होता है, एक बीज पत्र होता है, जड़ें कम विकसित होती हैं। इसमें बीजों में दो पत्र जीव दो बीज पत्र होते हैं और जड़ें अत्यधिक विकसित होती हैं। फिर महत्वपूर्ण पौधे कौन कौन से हैं, तो एक बीजी में यानी मोनोकोटिलेडोन में लहसुन, प्याज, ये लिली ऐसी कुल के हैं, गेहूं, मक्का, चावल ये ग्रेमिनी कुल के हैं, नारियल, ताड़ ये पाल्मी कुल के हैं और केला म्यूजेसी कुल का है। महत्वपूर्ण पौधे जो कोटिलेडोन्स में आते हैं यानी द्विबीजपत्री में आते हैं, तो मूली, शलजम ये क्रूसीफेरी कुल के हैं, कपास, भिंडी ये मालवेसी कुल के हैं, सूरजमुखी, कुसुम, भृंगराज ये कंपोजिटी कुल के हैं, टमाटर, मिर्च, बैगन, आलू ये सोलेनेसी कुल के हैं, नींबू, संतरा, मौसमी ये रूटेसी कुल के हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमिना होता है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टिस होता है, सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया होता है। पादप हार्मोन तो पहला है ऑक्सिन, ये पदार्थ वो पदार्थ जो प्ररोही की कोशिकाओं में दीर्घीकरण प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, मानिए वृद्धि ग्रोथ को प्रेरित करते हैं, फलों को गिरने से बचाता है, खरपतवार नष्ट करता है। साइटोकाइनिन तो इसमें काइनेटिन और जिएटिन नामक रसायन पाए जाते हैं, कार्य कोश का विभाजन को प्रेरित करता है, सुप्तावस्था तोड़ता है, जीर्णता को विलंबित करता है। एवासिसिक एसिड ये सूखा सहसुन हार्मोन कहा जाता है, सुप्तावस्था बनाए रखने में सहायता करता है, कलियों की वृद्धि तथा पुष्पों के अंकुरण को रोकता है। एवासिसिक एसिड एथिलीन तो फल को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है, यह गैसीय हार्मोन है, कार्य फलों में विगलन परत के निर्माण को उत्तेजित करता है, प्रायः पौधों में पुष्पन को तीव्र करता है। जिब्रेलिंस तो ये पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि, पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायता करते हैं, कार्य प्रसुप्ति भंग करना और बीजों में अंकुरण बढ़ाना। फ्लोरोजेंस तो ये फूलों के खिलने में मदद करते हैं और टाउमैटिन ये पौधों के जख्म को मारने में सहायता करते हैं, टाउमैटिन्स। फिर पादप आकार की यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो आकार की के आधार पर तीन प्रकार के पौधे होते हैं, पहला शाक यानी हर्ब्स, तो छोटे मुलायम पौधे फॉर एग्जाम्पल सरसों, मटर, पालक, झाड़ी यानी हर्ब्स, मध्यम श्रेणी के पौधे फॉर एग्जाम्पल मेहंदी, अनार, गुड़हल, वृक्ष यानी ट्रीज, तो ये पूर्ण विकसित होते हैं। जड़ रूट क्या होते हैं, तो मुलायम को रूट टिप से निकलकर प्रकाश से दूर जल की तलाश में गुरुत्व की ओर वृद्धि करते हैं। दो प्रकार की होती हैं जड़ें, मूसलाधार जड़ या मूसला जड़ टैप रूट कहलाती हैं और दूसरा अपस्थानिक जड़ यानी फाइब्रस रूट, ये एक बीजी पौधे में पाया जाता है। तो मूसला जड़ के कितने प्रकार हैं, तो मूसला जड़ में शंकु आकार यानी कोनिकल, तो इसमें गाजर आता है, कुंभ रूपी यानी नेपी फॉर्म, इसमें सलजम, चुकंदर, शकरकंद आता है, तुर्क रूपी यानी फूसी फॉर्म, ये मूली है, और श्वसन मूल यानी निमेटो फोर्स, तो इसमें राइजोफेरा मैग्रो वनस्पति आती है, निमेटो फोर्स में राइजोफेरा और मैग्रो वनस्पति। तना यानी स्टेम तो भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता तथा प्रकाश की ओर गति करता है। तीन प्रकार के होते हैं, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। भूमिगत तना तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, निम्न प्रकार के होते हैं, प्रकंद यानी राइजोम, तो इसमें हल्दी, अदरक और फर्न है, स्तंभ कंद यानी ट्यूबर, तो आलू, सल्क कंद यानी बल्ब, तो प्याज और लहसुन इसके उदाहरण है, और घन कंद यानी कोम, इसमें जिमीकंद, केसर और बंडा आते हैं। अर्धवायवीय तना इस प्रकार के तने कमजोर एवं मुलायम होते हैं, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा आंशिक रूप में मिट्टी के नीचे रेंककर वृद्धि करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, पहला ऊपरी भूस्थारी यानी रनर, जैसे ब्रह्मबूटी, दूब घास, स्टोलान जैसे अरबी, स्ट्रॉबेरी, भूस्थारी यानी ऑफसेट फॉर एग्जाम्पल जलकुंभी। वायवीय रूपांतरित तने, कुछ पौधों के तनों का वायवीय भाग विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाता है, इसकी स्थिति एवं उद्भव के आधार पर इनकी पहचान होती है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, स्तंभ सूल जैसे नींबू, बेर, परनाव स्तंभ यानी फाइलोक्लेड जैसे नाक फनी और यूफोरबिया, पत्र जिसमें प्रकालिका यानी बल्बिस होता है ना, इसको पत्र प्रकालिका या बल्बिस कहते हैं, तो इसमें लहसुन, खेतकी और अनानास आते हैं। पत्ती लीफ के बारे में देखते हैं, प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। फिर
पत्तियां रंधों की सहायता से श्वसन में सहायता करती हैं। कुछ पत्तियां भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं। पत्तियों का रूपांतरण, पर्णकंटक लीफ स्पाइन, इसमें पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, फॉर एग्जाम्पल नाक, फनियों, नींबू। शल्क पत्र यानी स्कली लीफ, तो इस प्रकार की पत्तियां कलिकाओं तथा अन्य अंगों की सुरक्षा के लिए परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें शल्क पत्र कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अदरक। कभी कभी शल्क पत्र भोज पदार्थों को संचित करने का कार्य करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लहसुन और प्याज। घटपर्ण, तो इनमें पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए सेलों के समान आकृति में परिवर्तित हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल निफेंथीस, निफेंथीज। ब्लैडर, तो इसमें पत्तियां जलीय कीटों को पकड़ने के लिए ब्लैडर में बदल जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। पौधों में खनिज तत्वों की उपयोगिता, तो सोडियम वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर पोटेशियम, फलों को पकाने में सहायता, जड़ों का विकास। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है ये। कैल्शियम, तो कोशिका संरचना एवं विभाजन, मध्य पटल का निर्माण। आयरन, तो श्वास एवं क्लोरोफिल उत्पादन में इसका उपयोग होता है। जिंक, प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता बढ़ाने में इसका काम होता है। क्लोरीन, ये प्रकाश संश्लेषण में जल का भी खंडन करता है। पौधों के प्रकार, पोषण के आधार पर, तो स्वपोषित पौधे होते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और परपोषित यानी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो स्वपोषित पौधे या दो प्रकार के होते हैं। रसायन, स्वपोषित, इस प्रकार के पौधे प्रकाश की अनुपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण में से प्राप्त ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं तथा अपना भोजन तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस उसके उदाहरण है। प्रकाशीय, स्वपोषित, इस प्रकार के पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अधिपादव, तो ये पौधे बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्किड, आर्किड। परपोषित यानी पैरासिटिक, दो प्रकार के होते हैं, परजीवी तो ये पैरासिटिक होते हैं, और मृतोपजीवी यानी सेप्टोफाइट्स। तो परजीवी, इस प्रकार के पौधे अपना भोजन दूसरे जीवित पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है। लारेंथस ये आंशिक स्तंभ परजीवी है। चंदन ये आंशिक मूल परजीवी है, और रेफ्लिशिया या इंदुगी ये मूल परजीवी। मृतोपजीवी पौधे, इस प्रकार के पौधे जीवों के अमृत सड़े हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस, कुकुरमुत्ता। विशेष प्रकार की पोषण विधि, सहजीवी पौधे, जब दो पौधे साथ साथ रहते हैं तथा पारस्परिक रूप से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइकेन और कवक मूल। कीटभक्षी पौधे, तो इस प्रकार के पौधे छोटे छोटे कीट पतंगों को मारकर उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। यह प्राय उन स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल डोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, निफेंथिस और डायोनिया। लौंग बंद कलियां, लौंग की कलियां बंद होती हैं, तो लौंग बंद कलियां होती हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, तो जीवाणियों में माइक्रोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग सीमोसोम होता है। तो जीवाणुओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग सीमोसोम होता है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। इमारती लकड़ी को पालीपोरस नामक कवक नष्ट करता है, पालीपोरस। जाइमेज एंजाइम ईस्ट से प्राप्त होता है। कवक में जिब्रेलिन पादप हार्मोन पाया जाता है। तारपीन का तेल पाइनस चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल मिसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। टमाटर सरस बेरी फल है। केल्विन चक्र स्ट्रोमा में संपन्न होता है। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। कीटभक्षी पौधे वहां उगते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन का अभाव होता है। बोरान एवं पोटेशियम की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है। ऊर्जा उपापचय में फास्फोरस का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो चावल में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चावल को धुलने पर थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है। फिर गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण बाजरे में पाया जाता है। रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। यह मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार है। सब्जियों में रंग एवं तीखापन का कारण, तो मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड के कारण होता है। मिर्च में चटपटाहट कैप्सिसिन के कारण होती है। खीरे में कड़वाहट ये कुकुरबिटेसिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग कैप्सिसिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सिसिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग
कुरकुमिन के कारण होता है गाजर का लाल रंग, एंथोसाइनिन के कारण होता है तिलहन के तेल में पीला रंग, कैरोटीन कैरोटीनाइज्ड यानी एल्काइल आइसो थायोसाइनेट के कारण होता है, खेसारी से लकवा न्यूटेक्सिन या लेथ्रेजन के कारण होता है, चने की पत्ती में खटास आगजली कम के कारण होती है। तो नेक्स्ट है पोषण एवं स्वास्थ्य यानी न्यूट्रिशन और हेल्थ। तो ऊर्जा उत्पादक पदार्थ पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 में होता है। तीन प्रकार के होते हैं, पहला मोनोसैकेराइड, तो ये मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें शर्करे कहते हैं। तो इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, यह मीठे फलों और शहद में अधिक होती है। डी ग्लूकोज इनमें सबसे अधिक पाए जाने वाली शर्करा होती है, ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है। डाइसैकेराइड, तो ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज, और लैक्टोज दो मोनोसैकेराइडों से मिलकर बनता है। फिर पॉलीसैकेराइड, तो यह अनेक मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन स्टार्च। अनेक पॉलीसैकेराइड अनेक मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं, सेलुलोज इसके उदाहरण है पॉलीसैकेराइड के। कार्य क्या है, ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं, स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का काम करते हैं, आरएनए एवं डीएनए के घटक होते हैं, सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशा भित्ति बनाते हैं। नोट, मधुमेह के रोगी मिठास के लिए सैकरिन का प्रयोग करते हैं। तो सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और माल्टोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज अंकुरित बीजों में पाया जाता है, सुक्रोज ये गन्ने में, लैक्टोज दूध शर्करा होती है, ये लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दूध में पाई जाती है। डी ग्लूकोज सबसे अधिक पाई जाने वाली शक्ति ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है। फिर प्रोटीन, तो अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रचना लगभग 20 से 22 अमीनो अम्ल के संयोग से बना होता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। सभी एंजाइम कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन थायरॉक्सिन प्रोटीन होते हैं, फिर शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। स्वभावतः क्षारीय शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संवहन का कार्य करते हैं। कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, शिशुओं में मेरास्मस यानी सूखा रोग हो जाता है और क्वासियोर्कर रोग हो जाता है। मुख्य प्रोटीन और उनके कार्य, तो ग्लूटेलिन का काम प्रोटीन, तो ग्लूटेलिन ये प्रोटीन पाया जाता है। फिर दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबुलिन ये रक्त में पाया जाता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन ये रक्त में पाया जाता है। फाइब्रोइन ये रेशम में पाया जाता है। फाइब्रोनोजन ये थॉम्ब्रिन रक्त का थक्का बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन अनुवांशिक रचनाओं की वंशा गति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केराटिन प्रोटीन, तो त्वचा बाल नाखून सींग खुर के निर्माण में सहायक होते हैं। जिन प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। गुलेक्टिलिंस प्रोटीन ये अनाज में पाया जाता है। फिर प्रोलेमिन्स प्रोटीन ये दालों में पाया जाता है, प्रोलेमिन्स प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन ये रुधिर में पाया जाता है, ग्लोबिन। फिर गोसिपिन प्रोटीन ये कपास में पाया जाता है। ग्लाइडिन प्रोटीन ये गेहूं में पाया जाता है, ग्लाइडिन प्रोटीन। वसा यानी फैट्स, तो वसा भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ है ये। वसा के अणु ग्लिसराल प्लस वसा अम्ल के संयोग से मिलकर बनते हैं। जल में अघुलनशील अकार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं। जीवों में तीन प्रकार के वसा पदार्थ होते हैं जिन्हें लिपिड कहा जाता है। सरल लिपिड यानी सिंपल लिपिड ये सरल उदासीन एवं विशुद्ध वसाएं होती हैं। इन्हें ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं। फिर ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगुनी से अधिक ऊर्जा मुक्त करती हैं। अधिकांश पादप वसाओं में असंतृप्त वसी अम्लों की बहुतायत होती है। संयुक्त वसा यानी कंपाउंड लिपिड, तो अम्ल एवं एल्कोहल के साथ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइकोप्रोटीन। तो रुधिर में वसा का संचरण इसी के रूप में होता है। फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड ये इसके उदाहरण है संयुक्त वसा के। व्युत्पन्न वसा यानी डेरिवेटिव फैट्स, तो एल्कोहल एवं संयुक्त वसा के अपघटक से बनते हैं।
एग्जाम्पल टारपीन्स, ये आइकोसेनाइड्स इसका उदाहरण है। प्रवासा के कार तो शरीर ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का ताप बाहर निकालने से रोकते हैं। नोट्स, वसा का भंडारण वसीय ऊतकों में आरक्षित भोजन के रूप में होता है। जैव कलाओं की मूल संरचना करने वाले अणु फॉस्फोलिपिड होते हैं। जैव कलाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्टीराल कोलेस्ट्रॉल होता है। लाइनोलिक अम्ल मनुष्य के लिए सबसे अधिक अनिवार्य होता है। लाइनोलिक अम्ल। फिर विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, फंक जल में घुलनशील विटामिन। तो पहला है विटामिन B1, इसे इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और स्रोत क्या है इसका, तो काजू है, अखरोट है, बादाम है। कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग। प्रभाव इसका कहाँ पर पड़ता है, इसकी कमी से तंत्रिकाओं में, हृदय की कार्यकी में, इसका हृदय की कार्यकी में सहायक होता है। विटामिन B2, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, बेल पपीता काजू में पाया जाता है। किलोसिस इसका से मतलब किलोसिस रोग हो जाता है। फिर एड्रीनल हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। विटामिन B3, इसे नियासिन कहते हैं, अंकुरित अनाज बादाम में पाया जाता है। पिलग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी से, त्वचा की सुरक्षा, लिंग हार्मोन्स का श्रावण ये करता है। विटामिन B6, तो इसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, दूध अनाज और मांस में पाया जाता है। रुधिर क्षीणता और पेशी के ऐंठन इसके कमी कारण हो जाता है। प्रोटीन उपापचय प्रतिरक्षी प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B7, इसे बायोटिन कहा जाता है। चर्म रोग बालों का झड़ना इसका काइंड ऑफ इससे कमी से हो जाता है। विटामिन B9, फोलिक एसिड इसको टेक्निकल नाम है इसका। फिर जैसे रक्त की कमी इसके कारण हो जाती है, अल्सर रोग हो जाता है। रुधिराणुओं का निर्माण और DNA संश्लेषण इसके माध्यम से होता है। प्रोटीन विटामिन B12, तो इसे साइनो कोबालामिन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है इसकी कमी से, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। विटामिन सी, तो इसे एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। और बोरबाडोस चेरी आमला अमरूद में पाया जाता है, स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है। घाव भरने में सहायक, दांतों के डेंटिन का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा। विटामिन B6 स्वप्न को याद रखने में सहायक है। विटामिन B11 नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब वसा में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन ए इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। पकाम पपीता पर्सिस मोन में ये पाया जाता है। कमी से रतौंधी यानी लाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। प्रभाव तो दृष्टि रंगों का संश्लेषण इसका प्रभाव या कार्य है। फिर विटामिन डी, इसे कैल्सिफिरॉल कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश इसका स्रोत है। और रिकेट्स इससे हो जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। फिर इसका कार्य क्या है, कैल्शियम फास्फोरस का उपापचय करना। विटामिन ई, इसे टोकोफिरॉल कहा जाता है, गेहूं अंडा तेल से पाया जाता है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है इसके द्वारा, अगर इसकी कमी हुई तो जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। फिर पेशियों की क्रियाशीलता, कोशिका कला की सुरक्षा इसके द्वारा होती है। विटामिन के, इसे नेप्थोक्विनोन कहा जाता है। और इसका जो स्रोत है, हरी सब्जी है, यकृत लीवर में ये पाया जाता है, और अंडों में भी पाया जाता है। फिर इसमें रक्त का थक्का ना बनना, मतलब अगर ये नहीं पाया जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के रक्त का थक्का बजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। यकृत में प्रोथ्रॉम्बिन का संश्लेषण ये करता है। फिर विटामिन ए मानव शरीर के यकृत में संचित रहता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B17 को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा। फिर कोलिन की कमी से फैटी लीवर की समस्या होती है। निकोटिन अम्ल या नियासिन की कमी से जीव या त्वचा पर दाने निकल आते हैं। खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट। सोडियम, यह रक्तदाब को नियंत्रित करता है, पेशी संकुचन में सहायता करता है, और शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। कमी से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, पेशियों में ऐंठन या थकावट होती है। फिर कैल्शियम, तो दांतों में हड्डियों की रचना होती है इसके द्वारा। रुधिर स्कंदन में सहायता करता है, एंजाइम को स्रावित होने में सहायता करता है। कमी से शरीर की वृद्धि में रुकावट, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फास्फोरस दांतों हड्डियों की रचना में सहायक होता है, रक्त में इसकी उपस्थिति से अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है। वसा एवं हाइड्रोकार्बन के पाचन में सहायता करता है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक होता है। कमी से घेंघा जड़मानवता मिक्सी मीडिया
हसीमी मोटो जैसे रोग होते हो जाते हैं, लोहा यानी आयरन, तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन साइक्रोटोम एंजाइम के घटक होते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। फिर कमी से शरीर में क्षीणता तथा अत्यंत थकावट महसूस होती है। स्रोत क्या है? यकृत है, मेथी है, पालक है, धनिया है, धनिया पत्ता है, पोटेशियम। जल संतुलन शरीर में हृदय स्पंदन में सहायक। कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी प्रभावित होती है। तंत्रिका तंत्र की फंक्शन है कार्यकी तंत्र का, वो प्रभावित हो जाता है। प्रमुख खाद्य विषाक्त रोग तो एपिडेमिक ड्रॉपसी। सरसों के तेल में आर्जिमोन के बीजों के तेल को मिश्रित करने से होता है। इससे पैरों में सूजन आ जाती है, सांस फूलने लगती है, अंततः हृदय गति रुक जाने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। एंडेमिक एडाइटिस तो चेना नामक खाद्यान्न में झुनझुनिया के बीज मिलने से होती है। यह विषाक्त पदार्थ यकृत में भारी क्षति पहुंचाते हैं। फिर एफ्लोटॉक्सिन एस्परजिलिस तो अनाजों में लगने वाली फफूंद है। यह विषाक्त पदार्थ यकृत को भारी क्षति पहुंचाते हैं। फिर इसकी जटिलता यकृत कैंसर का भी कारण बनता है। फिर न्यूरोला इथिरिज्म खेसारी दाल में पाया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र पर को प्रभाव डालता है। फिर फुसेरम टॉक्सिन यह ज्वार की फसल को प्रदूषित करती है। इसमें T2 नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। यह जानवरों के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तो चलिए अब यहाँ थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो शरीर के लिए आवश्यक जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यानी जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, उनका सिंपल कंपाउंड में टूटना ही पाचन क्रिया कहलाती है। इसमें यह पूरा पाचन तंत्र का सिस्टम है। तो देखते हैं इसको, तो ये माउथ गुहा, ये माउथ कैविटी है, ये जीभ होती है। इसमें यहाँ पास ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये यहाँ पास ये सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, और ये दोस्तों सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और ये संयुक्त रूप से लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये सलेवरी ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये फ्राइनिक्स है यानी ग्रसनी है। ये दोस्तों ग्रास नली, ये एसोफेगस ग्रास नली। फिर ये अमाशय यानी स्टमक है। ये यहाँ पर ये अग्नाशय है, पैनक्रिया, और ये प्लीहा यानी स्प्लीन है। फिर यहाँ पर दोस्तों लीवर पाया जाता है, ये लीवर, और यहीं पर नीचे ये गॉल ब्लैडर पाया जाता है यानी पित्ताशय पाया जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आँख के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो ड्यूडेनम सुग्रहणी कहते हैं, जुजेनम यानी अग्र क्षुदांत, और इलियम यानी क्षुद्रांत। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सीकम, बृहदान्त्र यानी कोलन, और मलाशय यानी रेक्टम। ये बड़ी आंत के कंपोनेंट है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए मुंह गुहा में पाचन तो डाइजेशन इन बगल कैविटी। तो भोजन में मुख के आते ही लार ग्रंथियों से लार यानी सलाइवा का श्रवण होता है, सिक्रीशन होता है। इसका पीएच मान 6.8 से 7.2 होता है। लार में उपस्थित टाइलिन तथा लाइसोजाइम जो क्रमशः वसा के पाचन और हानिकारक जीवाणुओं को मारने में सहायक होते हैं। स्टार्च टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज का निर्माण करता है जो सरल शर्करा होती है। इस तरह भोजन कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद ग्रास नली के माध्यम से भोजन अमाशय यानी स्टमक में पहुंचता है। मुख गुहा के बाद भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। तो अमाशय में पाचन यानी डाइजेशन इन स्टमक, तो यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। पहला एंजाइम, तो एंजाइम इसमें पेप्सिन होता है, इसमें इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। HCl भोजन को क्षारीय से अम्लीय बना देता है।
जठर लाइपेज वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन, वसा का आंशिक पाचन, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन, वसा का आंशिक पाचन, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ग्रहणी में पाचन, तो आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन पहले पित्त रस यानी बाइल जूस तथा बाद में अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस से मिलता है। पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। अग्नाशयी रस, तो इसमें चार प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। पहला ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, यह काइम की शेष प्रोटीन तथा ट्रिप्टेन को बिले एमिनो में बदल जाता है। एमिलीपिसिन या मंड को माल्टो शर्करा में बदल देता है। फिर एटीएप्सिन या पायसेकृत वसा को अम्लीय वसा तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। कार्बोक्सी पेप्टिडिस प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड अणुओं को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस का स्राव होता है यानी पैनक्रियाटिक। तो छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस यानी इंटेस्टिनल जूस का श्रवण होता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। माल्टेज या माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज या सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। लाइपेज यह शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। उपरोक्त क्रियाओं के बाद छोटी आंत क्षुद्रांत में भोजन के सभी पाचक पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में पाचन, तो यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। याद रखिएगा कि बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत अतिरिक्त भोजन का अवशोषण कर लेती है। स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन के द्वारा अवशोषित भोजन शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अनपचा यानी अनडाइजेस्टेड फूड मल में परिवर्तित होकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एनस के द्वारा। फिर पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख अंग, पहला है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पित्त का श्रवण करता है, यानी बाइल जूस का सिक्रीशन करता है जो पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में संचित रहता है। मानव शरीर में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रोनोजन तथा प्रोथाम्बिन का श्रवण करता है। रक्त को जमने से रोकने के लिए प्रोटीन हेपरिन का निर्माण करता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन, वसा का आंशिक पाचन, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। फिर मृत कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन? लीवर। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। रक्त के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। विटामिन ए डी ई के यानी कीड़ा के अवशोषण तथा संग्रहण का कार्य करता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियास, तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है यानी एक मिक्स ग्लैंड है क्योंकि इसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का श्रवण होता है। अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी दोनों प्रकार से यह कार्य करता है। फिर एंडोक्राइन, तो इसमें इंसुलिन का श्रवण होता है, ग्लूकान का श्रवण होता है। फिर एक्सोक्राइन से अग्नाशयी रस का श्रवण होता है यानी पैनक्रियाटिक जूस का श्रवण होता है, सिक्रीशन होता है। अंतःस्रावी भाग में लैंगरहंस की दीपिकाओं द्वारा हार्मोन का स्राव यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा हार्मोन्स का श्रवण होता है। तो इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका, तो इसमें ग्लूकागॉन हार्मोन का श्रवण होता है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का श्रवण होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन का श्रवण होता है। तो लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं से बीटा सेल्स से इंसुलिन का श्रवण होता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का श्रवण होता है। गामा कोशिका से इंसुलिन, तो पेप्टाइड हार्मोन होता है ये, और इंसुलिन डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है और इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। पाचन तंत्र के प्रमुख रोग, पीलिया जॉन्डिस, तो यकृत लीवर में संक्रमण के कारण होता है। लीवर सिरोसिस अत्यधिक शराब पीने से। पेप्टिक अल्सर अनियमित भोजन परेशानी और चिंता का कारण होता है।
हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन के अत्यधिक स्रावण से ये होता है। मधुमेह या डायबिटीज इंसुलिन के अल्पस्रावण से ये होता है। तो अब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क में श्वसन केंद्र होता है। फिर ये क्या है, ये ग्रसनी है, फ्राइनिक्स है, ये स्वरयंत्री यानी लेरिंग्स है, ये यहाँ पास लेरिंग्स है, ये फ्राइनिक्स है। फिर ब्रोंकाई, ये है ब्रोंकाई। फिर इंटरकोस्टल पेशी है, ये इंटरकोस्टल पेशी है, ये डायफ्राम, ये है डायफ्राम, है ना। फिर ये पसलियाँ यानी रिप्स होती हैं, ये रिप्स होती हैं, ये प्लूरा, ये प्लूरा, ये प्लूरा। फिर श्वासनिका यानी ब्रोंकियोल्स, ये हैं ब्रोंकियोल्स, ये है ब्रोंकियोल्स। और ये उदर गुहा यानी एब्डोमेल कैविटी होती है, ये फेफड़ा है, ये हृदय। चलिए, तो श्वसन तंत्र के या श्वसन के अंतर्गत गैसों का विनिमय O2 एवं CO2 तथा पाचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। इसका जो रासायनिक सूत्र है C6H12O6+O2=6CO2+6H2O+ energy 673 केल्विन। दो प्रकार का होता है, पहला वायवी यानी एरोबिक एस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी जीव जंतुओं के द्वारा, फिर एनोरोबिक यानी अवायवी श्वसन, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ये सामान्यतः बैक्टीरिया और कवक में पाया जाता है। श्वसन प्रक्रिया के चरण, तो पहला है बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो श्वसन अंगों के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना तथा CO2 युक्त वायु फेफड़ों लंग से बाहर निकालना। ऑक्सीजन का परिवहन, तो 98.5% ऑक्सीजन का RBC द्वारा परिवहन होता है। 1.5% ऑक्सीजन का रुधिर प्लाज्मा द्वारा संवहन या परिवहन होता है। फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, तो कोशिकीय ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण करती है। तो जीव और श्वसनांग, तो केचुआ में त्वचा होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पक्षी में फेफड़े, मछली में गिल्स पाए जाते हैं, कीटों में वातक नली पाई जाती है और स्तनधारी में फेफड़े। तो चलिए दोस्तों, श्वास रोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला है अस्थमा, सांस लेने में परेशानी होती है इसमें। श्वसनी शोथ यानी ब्रोंकोसिटिस, इसमें श्वासनियों में सूजन एवं जलन होती है। निमोनिया में फेफड़ों में सूजन आ जाती है। एम्फाइसिमा, इओसिनोफिलिया, फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस, महत्वपूर्ण कुछ श्वसन रोग हैं। मानव कंकाल पेशी एवं व्याधियां, तो मानव श्वसन, मानव शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहा जाता है। यह विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से बना होता है। यह कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला उपास्थ यानी कार्टिलेज और दूसरा बोन्स यानी अस्थि। कार्टिलेज की उत्पत्ति अन्य संयोजी ऊतकों के समान भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। इसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन होता है और यह प्रोटीन की बनी होती है। इसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन होता है तथा यह प्रोटीन की बनी होती है। अस्थियों का 38% भाग, तो अस्थियों का 38% भाग ओसियन प्रोटीन का बना होता है तथा 62% भाग अकार्बनिक लवणों मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम, तो मनुष्यों के अस्थियों द्वारा निर्मित अंतः कंकाल में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशुवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांघ में होती है, सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कान में पाई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, शरीर का सबसे ठोस पदार्थ इनेमल दांत में होता है। फिर नाखून एवं बाल मानव शरीर का बाह्य कंकाल यानी एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट होते हैं। जबड़े की अस्थि मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है। लैक्राइमल अस्थि फेसियल में पाई जाती है, यानी फेस में पाई जाती है। मानव खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। वयस्क के मेरुदंड में कुल 26 अस्थियां पाई जाती हैं। कलाई की अस्थियों में मेटाकार्पल्स, तो कलाइयों की अस्थियां मेटाकार्पस कहलाती हैं। कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। स्तनधारियों के भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण मेसोडर्म में होता है। हिंज संधि की अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं। कंडरा, यह पेशी को अस्थि से जोड़ता है।
लिगामेंट यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, तो लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है और कंडरा ये पेशी को अस्थि से जोड़ता है। फिर प्रमुख अस्थि रोग तो ऑस्टियो मलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स इसे सूखा रोग भी कहते हैं, बच्चों में होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा उनका क्षय तीव्रता से होता है। संधि शोथ आर्थराइटिस यह किसी भी आयु के लोगों को हो सकता है, यह अस्थि में से केवल एक जोड़े को प्रभावित करता है। वैस्कुलर निक्रोसिस यह समांतर वृद्धावस्था में होता है, घुटनों में तेज दर्द होता है। फिर पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम तो हमारे शरीर में बाह त्वचा और अस्थि तंत्र के बीच का भाग मांसपेशी से निर्मित होता है। पेशियां पेशी कोशिकाओं यानी मसल्स सेल द्वारा निर्मित होती हैं तथा यह संकुचनशील ऊतक होता है। संकुचनशीलता जीव द्रव्य का प्रमुख लक्षण है जो पेशी ऊतकों में सर्वाधिक होता है। नोट, जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता पेशी ऊतक के कारण ही होती है। फिर पेशी कोशिकाएं भ्रूण के मिसोडर्म से बनते हैं, इसका अपवाद आंखों की आयरिस तथा सिलियरी पेशियां हैं जो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। पेशियां तीन प्रकार की होती हैं, रेखित पेशियां यानी स्ट्रेटेड मसल्स, फिर अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। तो रेखित पेशियां यानी स्ट्रेटेड मसल्स, शरीर की अधिकांश पेशियां रेखी होती हैं। यह प्रायः तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में मनुष्य के इच्छानुसार कार्य करती हैं। इन्हें कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। पेशियां अग्रपाद, पश्चपाद और पीठ में पाई जाती हैं। यह ऐच्छिक पेशिकाएं हैं, थकान का अनुभव करती हैं। फिर अरेखित पेशियां तो यह खोखले आंतरागों में पाई जाती हैं, आहार नाल, प्लीहा, नेत्र, त्वचा, पित्ताशय, गर्भाशय आदि में पाई जाती हैं। अनैच्छिक होने के कारण यह थकान का अनुभव नहीं करती। हृदय पेशियां तो यह हृदय की मसल्स पेशियों में पाई जाती हैं। इन पेशियों में रेखित और अरेखित दोनों पेशियों के गुण पाए जाते हैं। यह पेशियां भी थकान का अनुभव नहीं करती। महत्वपूर्ण तथ्य तो रेखित पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन मायोसिन एवं एक्टिन होती है। पेशी तंतुओं के चारों ओर के आवरण को सर्कोलेमा कहते हैं। हृदय पेशियों में माइकोकॉन्ड्रिया अधिकतम संख्या में पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से पेशियों में थकावट का अनुभव होता है। पेशियों की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। सर्कोमियर पेशी संकुचन की इकाई है। पेशियों के आकुंचन के समय एक्टोमायोसिन नामक पदार्थ बनता है। प्रमुख पेशियां पेशी उद्वेष्ट यानी क्रैम्प तो अधिकतः यह एथलेटिक खिलाड़ियों में पाए जाते हैं। क्रैम्प्स इसमें पेशियों में संकुचन हो जाता है और तीव्र पीड़ा होती है। हार्निया यह पेशी दुर्बलता से होता है। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम मानव शरीर में तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। इसके प्रमुख अवयव निम्न होते हैं, हृदय, रक्त, धीरवाहिनी और लसिका। तो हार्ट यानी हृदय तो मानव शरीर के हृदय में चार कोष्ठ पाए जाते हैं। इसमें दो आलिंद और दो निलय होते हैं। हृदय में रुधिर का परिसंचरण होता है। सारे शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्र होकर अग्र एवं पश्च महाशिराओं द्वारा दाहिने आलिंद में पहुंच जाता है। दाहिने आलिंद से यह रक्त दाएं निलय में पहुंचता है। फिर दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी महाधमनी से होता हुआ फेफड़ों में पहुंचता है, जहां यह ऑक्सीजन प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। उसके बाद शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से यह बाएं निलय में पहुंच जाता है। बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रुधिर सिस्टेमिक महाधमनी में चला जाता है, जहां से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। रक्त यानी ब्लड तो यह तरल संयोजी ऊतक है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। संरचना रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा इसमें 90% जल होता है। रुधिर का द्रव भाग रुधिर के आयतन का 55-60% भाग होता है। यह एस्ट्रो हार्मोन्स एवं अवशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन एवं फाइब्रिनो जनरक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। रुधिर कणिका यानी ब्लड सेल्स तो यह रक्त का 40-45% भाग होता है। तीन प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स उत्पत्ति अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होती है। प्रमुख कार्य रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त
लाल होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है तो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। जीवन काल 120 दिन, संख्या तो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, हीमोसाइटोमीटर से संख्या इसकी ज्ञात की जाती है। गर्भावस्था शिशु भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, यकृत एवं प्लीहा जन्म के बाद अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। श्वास अंगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कमी से एनीमिया, अधिकता से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC तो इन्हें अवर्णी कोशिका भी कहा जाता है। इनका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। यह केंद्रक युक्त होती हैं यानी इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। फिर इन्हें शरीर के सैनिक यानी सोल्जर्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। अधिकता से ल्यूकोमेनिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है हो जाता है। दो प्रकार की होती हैं, कणिकामय यानी ग्रैनुलोसाइट्स, तो इसके जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पहला है बेसोफिल्स, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा है इओसिनोफिल्स। फिर अकणिकामय यानी ऑर्गेनोसाइट्स, तो इसके जो महत्वपूर्ण भाग हैं इसमें है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एड्स होने पर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। प्लेटलेट्स, तो इनकी संख्या अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण जो है तो अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। प्रमुख कार्य, तो यह रुधिर का थक्का बनाने में मदद करते हैं। मानव शरीर में इसकी संख्या 1.5 लाख यानी कम से कम होनी चाहिए। कमी से डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू हो जाता है। रक्त समूह, तो ब्लड ग्रुप, तो रक्त समूह ए है, बी है, ए बी है और ओ है। प्रतिजन यानी एंटीजन, तो ए में ए पाया जाता है, बी में बी, ए बी में ए बी और ओ में अनुपस्थित रहता है। एंटीबॉडी यानी प्रतिजैविक, तो ए में बी हो पाया जाएगा, बी में ए पाया जाएगा, ए बी में अनुपस्थित रहेगा और ओ में ए बी पाया जाएगा। एंटीबॉडी किसे रक्त दे सकते हैं, तो ग्रुप ए वाला ए और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ए बी, ए बी और ओ सभी को दे सकता है, चारों को। अब किससे ले सकता है, तो ए वाला ओ और ए से ले सकता है, बी वाला ओ और बी से ले सकता है, ए बी वाला ओ ए ए ओ ए बी और ए बी दोनों से मतलब सभी से ले सकता है और ओ वाला केवल ओ से ले सकता है। नोट क्या है कि ए बी में कोई एंटीजन ना होने के कारण सभी वर्गों से ये रक्त ले सकता है ए बी वाला। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता अतः सभी वर्ग को यह रक्त दे सकता है, ठीक है। ए ए और बी, बी साथ नहीं रह सकते हैं, तो ए ए और बी, बी साथ नहीं रह सकते हैं। रक्त पिता के रुधिर वर्गों के आधार पर संतानों का रुधिर वर्ग, तो माता पिता का रुधिर वर्ग, संतानों का रुधिर वर्ग संभव और असंभव। तो ओ और ओ के, अगर माता और पिता का ओ और ओ है तो ओ संभव है, ए बी संभव नहीं है। ओ अगर माता का ओ या पिता का ए है या उल्टा हो सकता है, तो इसमें ओ और ए की संभावना है, बी और ए भी तो कभी हो नहीं सकता, ए और ए है तो इसमें ओ और ए हो सकता है, बी और ए भी कभी नहीं होगा। ये आरएच फैक्टर, तो लैंड स्टीनर एवं बीनर द्वारा इसकी खोज की गई। रिसेस बंदर की आरबीसी में आरएच प्लस वाला व्यक्ति आरएच रक्त समूह वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, परंतु इसके विपरीत संभव नहीं। आरएच व्यक्तियों में आरएच एंटीजन और आरएच व्यक्तियों में, तो आरएच प्लस व्यक्तियों में माइनस आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन होता है और आरएच व्यक्तियों में यह नहीं होता। रक्त के प्रमुख कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन और शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। लशिका यानी लंफ या लिम्फ, तो यह रक्तहीन तरल पदार्थ होता है जो ऊतकों और रुधिर वाहिकाओं के बीच रक्त बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है, तो यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। इसमें आरबीसी की अनुपस्थिति होती है तथा WBC अधिक मात्रा में पाई जाती है। कार्य, ऊतकी द्रव एवं उन पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाता है जो धमनी कोशिकाओं से विस्तृत हो जाते हैं। कोशिका के मध्य भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन आदि के प्रसारण के
माध्यम का कार्य करती है। लसिका गांठों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लसिका कणिकाएं जीवाणुओं एवं अन्य बाहरी पदार्थों का भक्षण करके शरीर की रक्षा करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण यह घाव भरने में सहायक होता है। रुधिर जमने की क्रिया, तो चोट, रुधिर का बहना, फिर थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स रक्त की प्रोटीन से क्रिया, प्लास्टिन का निर्माण होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है, या कैल्शियम और ट्रिप्टेज की, या कैल्शियम और ट्रिप्टेज से क्रिया करता है, सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण हुआ, फिर थ्रोम्बिन से फाइब्रोनोजन से क्रिया होती है और रक्त का थक्का बन जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जित तंत्र, उत्सर्जित तंत्र शरीर से हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं तथा उत्सर्जित पदार्थों की आवश्यक मात्रा को शरीर में बनाए रखते हैं। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी, सहायक उत्सर्जी तंत्र त्वचा हो गई, फेफड़े हो गए, लीवर हो गई, बड़ी आंत हो गई। प्रत्येक वक्र यानी किडनी उत्सर्जन हेतु 10 लाख कोशिकाओं का बना होता है, जिसे नेफ्रान कहते हैं। नेफ्रान वृक्क की कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट होती है, उसे उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानकर शुद्ध करना है। मूत्र यूरिन का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है, तो पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। त्वचा या रुधिर से पानी, यूरिया तथा अन्य लवण को बाहरी सतह पर निष्कासित कर देती है। फुसफुस लंग्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित करते हैं। यकृत शरीर से नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासित करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के विकार, तो वृक्क पथरी यानी किडनी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सेलेट तथा फास्फोरस के जमाव के कारण ये होता है। फिर यूरेमिया, ये रक्त में यूरिया की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। हिमेट्यूरिया, ये यूरिन में आरबीसी की उपस्थिति के कारण होता है। एन्यूरिया, जब यूरिन नहीं बनता है तब ये स्थिति है ये। और पालीयूरिया, ये ज्यादा यूरिन बनने की स्थिति है। मनुष्य में यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है, जबकि पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। नर्वस सिस्टम, तो अंगों के हुए समूह जो विभिन्न अंगों के कार्यों के बीच सामंजस्य तथा संतुलन यानी कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस स्थापित करते हैं, तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। न्यूरॉन्स, किसी उद्दीपन स्टिमुलेशन के प्रति अनुक्रिया करने वाली विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट होती है। मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह 2 अंगों का बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। फिर दूसरा है परिधि तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड है स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य एवं भाग, तो अग्र मस्तिष्क इसे फोर ब्रेन कहते हैं। उपभाग क्या है इसका? सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये। यह बुद्धि, स्मृति और चिंतन का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस, ये भूख, प्यास, रक्त, रक्तदाब, घृणा, प्यार का केंद्र है ये। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है ये। और थैलेमस, वह ठंड गर्म की पहचान के लिए महत्वपूर्ण होता है। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, तो यह कार्पोरा कॉर्डिजिमाइना, इसका कार्य क्या है? यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र है। सेरिब्रल पेंडाइल, ये सेरिब्रल कार्टेक्स को मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, तो सेरिबलम, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखना इसका कार्य होता है। मेडुला ऑब्लॉंगेटा, ये मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है, हृदय स्पंदन, रक्तचाप, उपापचय आदि पर नियंत्रण करता है। और पोंसी बिरोली, ये सेरिबलम के दोनों पक्ष भागों को जोड़ता है। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, तो मेडुला ऑब्लॉंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। इसके 2 कार्य होते हैं, पहला प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, दूसरा यह मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। नोट, अचानक छींक आना, भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, अचानक चौंक जाना, डर से कांपना जैसे तत्काल होने वाली क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की व्याधियां, तो पहला है वर्टिगो यानी भ्रम, तो यह कान से जुड़े संतुलक अवयव से संबंधित होती है। कई बार यह संतुलक के वायरल शोथ का भी परिणाम होती है। अनिद्रा यानी इंसोमेनिया, तो यह हंटिंगटन रोग, इस रोग में मरीज भावनात्मक रूप से परेशान रहता है तथा यह मरीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यह बीमारी
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है हंटिंगटन रोग में। अल्जाइमर तो वृद्ध व्यक्तियों में बीमारी होती है, इसमें व्यक्ति का व्यवहार कभी कभी पुनः बालवत होने लगता है। मेनिनजाइटिस तो यह मस्तिष्क का रोग है, मस्तिष्क के ऊपर झिल्ली चढ़ जाती है। पार्किंसन रोग, हाथ पांव में कंपन होने लगता है, स्वयं के नियंत्रण में कमी आने लगती है, पेशियों में जकड़न इसका प्रमुख लक्षण है। फिर अपस्मार मिर्गी यानी एपिलेप्सी, यह शरीर में झटके महसूस होते हैं इसके द्वारा, यह प्रायः बचपन काल से ही प्रारंभ होती है। मस्तिष्क आघात यानी लकवा, तो ये सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट CVA, शरीर के किसी भाग में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता। अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, अध्ययन क्या कहलाता है इसका, एंडोक्राइनोलॉजी। मनुष्य में तीन प्रकार ग्रंथियां होती हैं, बाह स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो वही स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसे वाहिनी युक्त यानी डक्ट डक्ट ग्रंथियां कहते हैं। इसके द्वारा स्रावित पदार्थ इनकी वाहिनियों से बहकर संबंधित अंग विशेष में जाते हैं। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत, आमाशय आदि इसके उदाहरण हैं। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड, तो यह डक्ट विहीन यानी डक्टलेस डक्टलेस यानी नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इससे इसमें श्रावण पदार्थ ऊतक द्रव्य के माध्यम से सारे शरीर में फैलते हैं, इसके द्वारा हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, अबटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड, फिर मिश्रित ग्लैंड यानी मिक्स ग्लैंड। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण करती हैं, फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। हार्मोन्स तो रसायन स्तर पर हार्मोन्स मुक्त स्टेरॉइड या प्रोटीन होते हैं। पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि, तो यह मुख्यतः मेलेटोनिन हार्मोन का श्रवण करती है, सोने के पैटर्न स्टेप पैटर्न पर नियमन करती है। तो ये सोने के यानी जो अपनी नींद होती है उसके पैटर्न पर ये नियमक उसका रेगुलेशन करते हैं। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में पाई जाती है, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन तथा उनका कार्य, तो पश्चपाली से स्रावित हार्मोन वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसे ADH हार्मोन भी कहते हैं, यह शरीर में जल अवशोषण को नियंत्रित करता है, इसी कारण इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो यह प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने और प्रसव के बाद गर्भाशय के सिकुड़ने में मदद करता है। यह हार्मोन स्तन धारियों में दुग्ध स्राव यानी जो मिल्क है उसके सिक्रीशन को उत्तेजित करता है। अग्रपाली के हार्मोन, तो इस भाग से स्रावित हार्मोन को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो पहला है STH हार्मोन यानी सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, यह शरीर की तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसकी अधिकता से भीमकायत्व तथा कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। GTH यानी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, तो यह हार्मोन्स लैंगिक परिपक्वता के लिए आवश्यक है। TSH हार्मोन यानी थायरोट्रोपिन हार्मोन, तो यह थायराइड ग्रंथ की वृद्धि तथा श्रावण क्रिया का प्रेरक होता है। LTH हार्मोन यानी लुटियोट्रोपिक हार्मोन, तो यह लैक्टोजेनिक हार्मोन अथवा प्रोलैक्टिन भी कहते हैं इसको, यह कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के श्रावण को प्रेरित करता है। इसकी कमी से मादा में दुग्ध निर्माण नहीं होता है। MSH यानी मेलानोसाइट हार्मोन, त्वचा के रंग के लिए यही जिम्मेदार होता है। थायराइड हार्मोन के कार्य, तो उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन से मिलकर शरीर के जन संतुलन का कार्य करते हैं। थायराइड हार्मोन तथा उनकी अनियमितता से होने वाले रोग, थायरॉक्सिन, वसा, ग्लूकोज, प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करते हैं, मानसिक शारीरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। कमी से जड़ मानवता यानी क्रेटिनिज्म हो जाता है बाल्यावस्था में, मिक्सिडीमा वयस्कों में होता है। अधिकता से टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, हृदय की गति प्रभावित होती है इससे। एक्सोप्लेथिमिक यानी आंखों में सूजन आ जाती है। कैल्सिटोनिन, तो रक्त में कैल्शियम के लेवल का नियमन हड्डियों के विघटन को कम करता है। पैराथायराइड ग्रंथि, तो पैराथार्मोन का श्रावण करता है। ये कमी से चटनी रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, तो अधिवृक्क ग्रंथियां कहलाती हैं, तो यह वृक्क के शीर्ष पर लगी हुई होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल
साइनस हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, तो फाइट फाइट और फ्लाई हार्मोन कहते हैं। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। नॉर या नॉन एड्रेनलिन हार्मोन तो इसका प्रमुख है ना, इसका कुछ विशेष महत्व नहीं होता, इसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिनियां फैल जाती हैं। जनन ग्रंथि यानी गोनाड्स, तो इसमें वृषण, अंडाशय और कार्पस लुटिया माते हैं। मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन, तो एस्ट्रोजन, स्राव, तो इसका श्रावण यानी सिक्रेशन कहाँ से होता है, गैफ्रियन पुटिकाओं से होता है, कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। पोजेस्ट्रॉन, इसका श्रावण कहाँ से होता है, कार्पिस लुटियन से होता है और गर्भ निर्धारण में सहायता करता है। जो मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका रेगुलेशन भी इसी द्वारा किया जाता है। फिर लैक्सिन, तो बच्चे के जन्म के समय ये निकलता है। नर हार्मोन्स, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन है, तो इसका जो सिक्रीशन होता है लैंडिल लैंडिंग लैंडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, लैंडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। एस्ट्रोजन या एंडो एस्ट्रोजन दो महत्वपूर्ण मेल हार्मोन्स हैं। मानव संवेदांग तथा उनके रोग, तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स एंड डिजीजेस, तो पहला है नेत्र, तो नेत्र अंडाकार होता है, इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। मुख्य भाग, तो दृढ़ पटल या रक्तक पटल यानी स्क्लेरा और कोराइड, तो यह नेत्र का बाहरी पटल होता है, इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। रक्त का पटल दृढ़ पटल के भीतरी भाग से लगी काले रंग की एक परत या झिल्ली होती है, काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करता है। कॉर्निया, दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र दान में नेत्र का यही भाग दान किया जाता है। आयरिस, तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आयरिस कहते हैं, यह कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है। पुतली अथवा नेत्र तारा पीपिल, तो आयरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। नेत्र लेंस, तो यह अभ्योतन लेंस होता है, इसके अपारदर्शी हो जाने पर मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता, इसकी अवस्था को मोतियाबिंद रोग की संज्ञा दी जाती है। जलीय द्रव तथा कांच द्रव, तो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा रहता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। रेटिना, तो नेत्र का भीतरी तंत्रिका स्तर है, यह अनेक परतों का बना होता है, इसकी रचना तंतुओं, तंत्रिका कोशिकाओं, शालिकाओं यानी रॉड्स तथा शंकुओं से होती है। दृष्ट शलाकाएं मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान कराती हैं, जबकि शंकु तीव्र प्रकाश में वस्तुओं एवं विभिन्न रंगों का ज्ञान कराती हैं। नोट, उल्लू अथवा अनेक रात्रिचर स्तनियों के नेत्र की रेटिना में शंकु नहीं होते हैं, इसमें केवल शलाकाएं यानी शलाकाएं होती हैं, यानी केवल रॉड्स होते हैं, शंकु नहीं होते, कॉन्स नहीं होते। महत्वपूर्ण तथ्य, तो शरीर के अनुपात के आधार पर हिरण की आंख सबसे बड़ी होती है। नेत्र बैंक में आंख का कार्निया रख रखा जाता है। तंत्री के रोग में शलाकाओं और रोडोप्सिन की कमी हो जाती है, यानी रॉड्स और रोडोप्सिन का की कमी हो जाती है। फिर मधुमक्खियां पराबैंगनी किरणें देख सकती हैं। प्रमुख नेत्र दोस्तों, दूर दृष्टि दोष इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसमें नेत्र गोला का व्यास कम हो जाता है, केवल दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, निकट की नहीं। फोकस रेटिना के पीछे बनता है। निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष इसे मायोपिया कहते हैं, इस दोष में नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, इसमें फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर जरा दूरदृष्टता, तो यह प्रायः वृद्धों में होता है, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रोहा या ट्राइकोमा, तो यह वायरस जनित कॉर्निया का रोग है, इसमें आंख लाल हो जाती है तथा आंख में दर्द बना रहता है। ग्लूकोमा, तो इस रोग में अंतः नेत्र तनाव बढ़ जाता है। नोट, मोतियाबिंद ये कंजक्टिविटीज भी नेत्र रोग है, तो मोतियाबिंद स्लेस स्लेस लेमा सोथ यानी कंजक्टिविटीज भी नेत्र रोग है। जीवा यानी टंग में, तो मुख्य स्वाद ज्ञानेंद्रिय होता है, ये इसका अधिकांश भाग पेशी होता है, पेशिकाओं का बना होता है। जीव पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद संवेदना रासायनिक संवेदना होती है। जीवा के विभिन्न चार भाग विभिन्न प्रकार के स्वादों के प्रति
अलग अलग संवेदनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किनारों पर स्थित स्वाद कलिकाएं खट्टेपन का अनुभव कराती हैं, आधार पर स्थित स्वाद कलिकाएं कड़वेपन का, शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं मीठेपन का, और पार्श्व तथा शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं नमकीन का बोध कराती हैं। त्वचा यानी स्किन, तो त्वचा की सतह पर एक सुरक्षात्मक आवरण, त्वचा में उसका त्वचा में उत्सर्जी स्रावी तथा अवशोषी गुण पाए जाते हैं। कार्य, तो शरीर में होने वाली जल हानि को नियंत्रित करती है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का निर्माण करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। नोट, त्वचा, बाल एवं नाखून केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। रोम, नख और श्वेत ग्रंथियां त्वचा के उपांग माने जाते हैं। पसीने में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो विषाणुनाशक होता है। त्वचा के रोग, तो पहला एक्जिमा, अधिकांशतः यह पैरों के ऊपरी भाग या गर्दन के पीछे होता है। इस रोग में त्वचा मोटी हो जाती है। मत्स्य त्वचा यानी इस्थियोसिस, तो यह जन्मजात त्वचा रोग है। रजत यानी सिल्वर स्किन, तो त्वचा के परतों के बीच लाल चकते पड़ जाते हैं। पित्ती यानी अर्टिकेरिया, तो यह एक तरह की संवेदनशील एलर्जी होती है। फिर मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीजेस, तो जन्मजात रोग यानी कंजेंटल डिजीजेस कौन कौन सी हैं, तो हीमोफेलिया है, यह आनुवंशिक रोग है यानी जेनेटिक डिजीज है। तो हीमोफेलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ग्रसित व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। रोग की जो रोग का वाहक होता है या रोग की जो वाहिका होती है वो स्त्रियां होती हैं यानी फीमेल्स होती हैं, मतलब मेल्स में रोग पाया तो जाता है लेकिन ये वाहक नहीं होते। फिर कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, तो यह भी अनुवांशिक रोग है। पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता, तो रेड और ग्रीन में अंतर जो पीड़ित व्यक्ति है नहीं कर पाता। फिर संक्रामक बीमारियां यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो जीवाणुओं से होने वाली रोग, पहला हैजा यानी कोलेरा, शरीर में जल की कमी हो जाती है, उल्टी और दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं। विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होती है। डिप्थीरिया, श्वास नली प्रभावित होती है। क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस, शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है, विशेषकर फेफड़े प्रभावित होते हैं। जांच के लिए मेक्टांस टेस्ट होता है, मेंटाक्स टेस्ट होता है जांच के लिए। बचाव के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। कोढ़ यानी लेप्रोसी, त्वचा एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इससे, तो इसमें त्वचा और तंत्रिकाएं प्रभावित होती है। टाइफाइड, इससे आंत यानी, तो इससे इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। प्लेग, तो फेफड़ों और आरबीसी प्रभावित होता है इससे। काली खांसी, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इससे। सिफिलिस, जनन अंग मस्तिष्क प्रभावित होता है। टिटनेस, इसे धनुष कनकार रोग भी कहते हैं। एंथ्रेक्स, शाकाहारी पशुओं में होता है। वायरस द्वारा उत्पन्न रोग, छोटी माथा चिकन पॉक्स, मेरीसेला वायरस द्वारा होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। फिर खसरा, तो ये मोरबीली वायरस द्वारा होता है, वायुवाहित रोग होता है, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पोलियो, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इलाज के लिए साल्क वैक्सीन लगाई जाती है। फिर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, यह बेरियोला वायरस द्वारा होता है। रेबीज, तो यह ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें वायरस यानी रेबीज वायरस पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पागल कुत्ता मैड डॉग, मैड डॉग, बिल्ली कैट्स, इस प्रकार के जो जानवर होते हैं इनमें पाया जाता है। भेड़िया टाइप, मतलब कुत्ते टाइप वाले व्यक्ति व्यक्ति नहीं पशु, इन्फ्लुएंजा, तो मिक्सो वायरस से होता है, ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। रक्त संचार से फैलने वाली बीमारियां, तो एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस को रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। पहचान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस, तो लीवर संक्रमित होता है, बिलिरुबिन की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। क्रिमजन रोग यानी हेलमिंथस डिजीजेस, तो फॉर एग्जाम्पल अतिसार, डायरिया, फाइलेरिया। फफूंद द्वारा उत्पन्न रोग, फंगल डिजीजेस, तो अस्थमा है इसमें। एस्पर्जिलस फ्यूमेगट्स कवक से ही होता है। एस्पर्जिलस फ्यूमेगट्स कवक से होता है ये। एथलीट फूड, ये टिनिडा पेडिस कवक से होता है, टिनिडा पेडिस कवक से होता है। गंजा पनियानी बालनेस, ये टीनिया कैपिटिस कवक से होता है। खाज, इसके बीज, ये एकेरिस, इसके बीज नमक कवक से होता है। दाद यानी रिंग वार्म, ये ट्राइकोफाइटान नामक कवक से होता है। रोग से बचाव के टीके, तो टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है।
यानी डिप्थेरिया, प्रोटोसिस और ट्यूबरक्लोसिस। डीपीटी यानी डिप्थेरिया, प्रोटोसिस और ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, टेटनिस है दोस्तों, सॉरी। इसके लिए टाइफाइड, टी ए बी का टीका लगाया जाता है। तो इसका टैब का फुल फॉर्म क्या है? टाइफाइड पैराथाइफाइड वैक्सीन। तपेदिक, इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ये टीबी के रोग के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। फिर काली खांसी, तो इसमें डीपीटी का टीका इसमें भी लगाया जाता है, डिप्थेरिया प्रोटोसिस और टिटनेस। पोलियो के लिए पोलियो टीका लगाया जाता है। और ये साल्क वैक्सीन, इसकी खोज जॉन साल्क ने की थी। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न रोग, तो मरकरी से मिनीमाटा डिजीज ये पारे से होती है। इटाई डिजीज ये कैडमियम से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से। और ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से होती है, आर्सेनिक। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग मलेरिया है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया दांतों में। सोने की बीमारी टिपोनोसोना सीसी मक्खी से होता है, यानी जस्टिस फ्लाई मच्छी के द्वारा होता है ये। पेचिस ये एंटेमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। काला जार लीफमेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। कुछ अन्य व्याधियां जापानी इंसेफ्लाइटिस, तो ये विषाणु जनित रोग है। सूअरों के माध्यम से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से धान के खेत में भी पनपते हैं ये। स्वाइन फ्लू तो विषाणु जनित रोग ये भी है, H1N1 इन्फ्लुएंजा से सर्वप्रथम मेक्सिको में देखा गया। बर्ड फ्लू H5N1 से फैलता है। दो एंटीवायरल पक्षियों एमंटाडीन एवं रिमंटाडीन का प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चिकनगुनिया विषाणु जनित है, मच्छरों के काटने से होता है। एडिस एजिप्टई मच्छर के काटने से ही होता है। असंक्रामक रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कैंसर शरीर के किसी अंग में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण ये होता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। यह शरीर के उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। कैंसर को चार प्रकार में विभक्त किया जाता है। पहला है कार्सिनोमास यह त्वचा एवं आंतरिक अंगों की एपिथीलियम उपकला से संबंधित होता है। तो कार्सिनोमास यह त्वचा एवं आंतरिक अंगों की एपिथीलियम उपकला से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, फिर फेफड़ों का कैंसर। सार्कोमास यह कैंसर संयोजी उपास्थियों एवं पेशियों में होता है, अस्थि कैंसर। ल्यूकोमियस यह ल्यूकोसाइट्स में असमान वृद्धि के कारण होता है। फिर लिम्फोमास तो यह लसिका तंत्र ऊतकों तथा ऊत की तरफ से संबंधित होता है। कैंसर का उपचार तो शल्य चिकित्सा होती है, रेडियोथेरेपी होती है, इस समय इसमें कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, कीमियोथेरेपी होती है। तो प्रमुख औषधि सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। मधुमेह यानी डायबिटीज तो जब अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता और रक्त तथा पेशाब में शर्करा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। इस रोग में रोगी को मीठे पदार्थों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन की खुराक अधिक हो जाने पर हाइपर ग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। मुख्य मनोरोग तो इसकी जो फ्रेनिया, इस रोग में रोगी के अंदर व्यक्तित्व विघटन के लक्षण मिलते हैं। इसकी जो फ्रेनिया में साइको न्यूरोसिस रोगी मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ होता है, उसमें किसी चीज का सही मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं होती। हिस्टीरिया यह रोग युवा लड़कियों और वयस्क महिलाओं में अधिक होता है। फिर साइकोसिस इस रोग से व्यक्तित्व विघटन अधिक हो जाता है। मानसिक विच्छेद तथा पागल शब्द इसी रोग से पीड़ित व्यक्ति को कहा जाता है। पैरानोया इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को महानता का अनुभव होने लगता है। डिलीरियास मेनिया डिली
दिली रियास, दिली रियास मेनिया, इस रोग में रोगी अत्यधिक उत्तेजित एवं हिंसात्मक हो जाता है। पीडोफिलिया या पुरुष और स्त्री दोनों को हो सकता है। यह एक प्रकार का यौन विकृति रोग होता है, यौन विकृति रोग होता है। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया किंगडम। कशेरुकी दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला अशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स, और जिन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है, और कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स इन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है। तो प्राकृतिक समानताओं और विषमताओं पर दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है एनिमेलिया वर्ग को। तो पहला है एनेइमा, इसमें लाल धीर नहीं होता है, और दूसरा है इनेइमा, ए नेइमा और ई नेइमा। जरायु यानी बीवी पैरा, और अंडायुज यानी ओबी पैरा। संघ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। इस समुदाय के जंतु सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। ये परजीवी, सहजीवी, सहभोजी होते हैं। ये एक कोश के जंतु होते हैं। श्वसन क्रिया, विसरण द्वारा प्रजनन कूटपाद यानी सोडोफोडिया के द्वारा होता है। उदाहरण अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। संघ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। समानता स्पंज भी कहा जाता है। शरीर छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बना होता है, इसे ऑस्टिया कहते हैं। शरीर में संवेदी तथा तंत्रिका तंत्रिकाएं, शरीर में संवेदी तथा तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं। उदाहरण साइकस, फिर ल्यूकोसोलेनिया और मायोनिया। संघ सिलेंट्रेटा, तो बहुकोशिकीय तथा अरीय समिति के तंतु यानी रेडिकली सिमेट्रिकल जंतु पाए जाते हैं। शरीर द्विस्तरी होता है। उदाहरण हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। फिर संघ प्लेटी हेलमेंथिस, त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। शरीर एक्टोडर्म, मीसोडर्म तथा इंडोडर्म का बना होता है। एक्टोडर्म, मीसोडर्म तथा इंडोडर्म का बना होता है। प्रायः द्विलिंगी यानी बाईसेक्सुअल होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। संघ निमेटोडा, गोल कृमि इनको कहा जाता है। श्वसन एवं परिसंचरण तंत्रों का अभाव होता है। उदाहरण एस्केरिस। प्रसंग एनिलिडा, तो तेजन स्तरीय मेटामेरिक विखंडन पाया जाता है। वह लिंगी या एक लिंगी होते हैं। उत्सर्जी अंगवृक के रूप में होता है। उदाहरण केचुहा, जोंक, नेरिस। मित्रों का, किसानों का मित्र, ना कि मित्रों का मित्र, किसानों का मित्र इसे कहा जाता है केचुहे को। चार जोड़ी हृदय कक्ष होते हैं। जीव द्रव का हीमोग्लोबिन में विलय हो जाता है। संघ आर्थोपोडा, फाइलम आर्थोपोडा। तो सबसे बड़ा संघ है। शरीर सिर, वक्ष और उदर तीन भागों में विभक्त होता है। प्रायः एक लिंगी निषेचन शरीर के अंदर होता है। इस संघ का सबसे बड़ा कीट, इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग कीट वर्ग होता है। संघ मोलस्का, तो अधिक जीवाणु और लवणी जल में पाए जाते हैं। शरीर प्रवाल से ढका होता है। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। घोंघा, सीप, ऑक्टोपस इसके उदाहरण है। फिर संघ एकाइनोडर्मेटा, तो समुद्री जीव सिलोन युक्त होते हैं ये। फिर उदाहरण स्टार फिश, ब्रिटिश स्टार, समुद्री खीरा। संघ कार्डेटा, तो इसमें नोटा कार्ड पाया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पाया जाता है। आरबीसी पाई जाती है। कुछ प्रमुख वर्ग, तो मछलियां इसमें नहीं आती हैं, मछलियां नहीं है ये। क्रे फिश, कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, व्हेल और उवेल फिश। तो अगर कहीं पूछा जाए कि क्रे फिश, कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, व्हेल और उवेल ये फिश का उदाहरण है, तो कह दीजिए कि नहीं, ये नोटा कार्ड इसमें पाया जाता है, लेकिन ये फिश का उदाहरण नहीं है। मत्स्य वर्ग, तो अब देखते हैं मत्स्य वर्ग में, तो वर्ग कॉन्डिक्थीज, तो मुख्य समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां होती हैं ये। फॉर एग्जाम्पल स्कोलोडियान, टारपीडो, टारपीडो मछली, ये विद्युत करंट पैदा करती है। मांसाहारी होती है सार्क, हाथी मीन, सिमेरा, इसी वर्ग की हैं। वर्ग आस्टिकथीज, तो मीठे जल में पाई जाने वाली मछली है। फॉर एग्जाम्पल रोहू, कैटफिश, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, एक्सोसीट। वर्ग एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, तो थल एवं जल दोनों में रहने वाले जीव होते हैं। श्वसन ये क्लोम, त्वचा एवं फेफड़ा से करते हैं। हृदय में तीन चेंबर होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेढक, टोड और हाइला। फिर वर्ग सरीसृप यानी क्लास रेप्टाइल, इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। हृदय तीन कोष्ठ होते हैं, उदाहरण वर्तमान में छिपकली, सांप और घड़ियाल इसके उदाहरण है। भूतकाल में डायनासोर। मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है, मेसोजोइक युग को। हिलोडेमो, हिलोडेमो तो विश्व की एकमात्र जहरीली मछली है, हिलोडेमो। मेबुइया ये बिल बनाने वाली मछली है, मेबुइया। सांपों यानी स्नेक्स की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान होती हैं। सर्प व्हेल दांतों वाली व्हेल में सबसे विशालतम होती है। डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग में आते हैं, तो ये मैमिलिया में आते हैं डॉल्फिन। वर्ग स्तनधारी यानी क्लास मैमिलिया। तो मुख्यतः स्थली हृदय, चार कोष्ठ, दो आलिन, दो निलय, आरबीसी में केंद्रक का अभाव, अपवाद ऊंट, ऊंट अपवाद। तीन उपवर्ग होते हैं प्रोटोथेरिया, अंडे देने वाले जंतु, फॉर एग्जाम्पल एकिडना, डकबिल्ड, प्लेटिपस, विषैला स्तनधारी है ये। मैथाथेरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंगारू, मैथाथेरिया। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, पूर्ण विकसित जंतु को यूथीरिया, तो इसमें मनुष्य भी आ जाएगा। फिर स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, ये देखे रखिएगा तथ्य। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है, नीली व्हेल विशालतम जंतु है। कोमो ड्रैगन सबसे लंबी छिपकली है, ड्रेको उड़ने वाला रेप्टाइल। फिर कपी यानी एप्स, तो गिवन गोरिल्ला, ओरिक टाउन इसके उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल। अब नोट क्या है कि लंगूर का भी प्रजाति का नहीं है, तो लंगूर ये बंदर है ना, लंगूर कपी नहीं है, एप्स नहीं, ये बंदर। नीलगाय मृग प्रजाति का हिरण कुल में आती है, सबसे बड़ा अकशेरुकी स्किविड है, स्किविड है सबसे बड़ा अकशेरुकी। कीट वर्ग यानी इंसेक्टिका अध्ययन, एंटोमोलॉजी कहा जाता है इसके अध्ययन को। उपयोगी कीट तो बॉम्बिकस मोराई, ये रेशम उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता है। फिर कोकिनियल बग, ये लाख उत्पन्न करने वाला होता है। जीव हानिकारक कीट तो श्वसन में बाताक तंत्र से किया। फिर घरेलू मक्खी हैजा, टाइफाइड, तपेदिक में ये मतलब फैलाती है रोग। ये सीसी मच्छी जस्टिस फ्लाई, ये स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग फैलाती है। सैंड फ्लाई ये कालाजार फैला देती है। खटमल ये इसके द्वारा रिलेप्टिसंग फीवर हो जाता है। दीमक एक सामाजिक कीट है, सोशल इंसेक्ट है। मकड़ी कीट नहीं है, आठ टांगे पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी इंसेक्ट नहीं है। जुगनू दीप उत्पन्न करते हैं, शिकार के लिए तथा संघी को आकृष्ट करने के लिए, ये मतलब लाइट को उत्पन्न करते हैं शिकार के लिए और संघी को आकृष्ट करने के लिए, मनमानसिकी एवं जैव विकास। तो जनकों से अनेक संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मेंडल के नियम, तो पहला है प्रभाविकता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण नजर आते हैं। पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो प्रथम पीढ़ी में दोनों लक्षण उपस्थित दूसरे में गायब हो जाते हैं, सॉरी पृथक पीढ़ी में दोनों लक्षण उपस्थित दूसरे में गायब हो जाते हैं। फिर स्वतंत्र अभिवहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विपरीत लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराने में लक्षण अलग हो जाते हैं। गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम, तो इसको नामकरण किसने दिया था, वाल्डेयर ने, वाल्डेयर। चलिए केंद्रक में धागे की तरह पड़े रहते हैं। अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाते हैं, क्रोमेटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। मानव में 46 मतलब 23 जोड़ी होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़ी पुरुष स्त्री में समान होते हैं, तो 23वां जोड़ा होता है, ये लिंग निर्धारण कारक होता है, इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। कार्य तो अनुवांशिक लक्षणों की रूपरेखा का निर्धारण करते हैं। जीन तो इसकी खोज 1909 में जॉनसन ने की थी। फिर अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई होती है ये। फिर डीएनए का खंड जिसमें अनुवांशिक कोड निहित रहता है। कार्य तो अनुवांशिक संकेतों को धारण करता है यानी जेनेटिक सिग्नल ये धारण करता है। जीनोम तो गुणसूत्रों में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है। जीन इन गुणसूत्रों पर पाया जाता है।
प्लाज्मीन। तो क्रोमोसोम के बाहर यदि जीन कोशिका द्रव्य की कोशिकांगों में होता है तो उन्हें प्लाज्मीन कहा जाता है। सिस्ट्रॉन जीन की कार्य की इकाई है न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन, ये उत्पत्ति की इकाई है, उत्परिवर्तन की इकाई है, और रेक्रॉन ये पुनः संयोजन की इकाई। मानव में कुल 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इन्हीं का सही चुनाव जेनेटिक कोड कहलाता है। जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। जीव विकास के सिद्धांत, तो लैमार्क बाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक, इसमें उन्होंने सांपों के अंगों के प्रयोग का उदाहरण दिया है। डार्विन बाद विकास बाद का सिद्धांत है, ये प्राकृतिकरण का सिद्धांत है। तो इसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फिर उपयोगी लक्षणों की वंशागति, योगदम की उत्तरजीविता, उत्परिवर्तन का उत्परिवर्तन बात। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया, उत्परिवर्तन के कारण नई प्रजातियों का जन्म होता है। जैव विकास के प्रमाण, तो समजातता, तो मौलिक समानता वाले अंग जैसे अंतः कंकाल तंत्रिका इकाई, समरूपता सिमिलैरिटी, तो इसमें पक्षियों में उड़ने के लिए पंख, घोड़ों में टांगे दौड़ने के लिए, अब शेषी अंग तो कर्ण पल्लव त्वचा पर बाल अपेंडिक्स, संयोजक जातियां तो युगलीना पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी, आर्कियोपटेरिक्स सरीसृप यानी रेप्टाइल और पक्षी के बीच की कड़ी है, प्रोटोथीरिया ये सरीसृप स्तनी के बीच की कड़ी है। भौगोलिक विवरण, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग कालाहारी बोत्सवाना में पाए जाते हैं, पेंगुइन दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से अपना बायोलॉजी का रिवीजन समाप्त होता है। तो एक क्विक रिवीजन है और ये बहुत मज़ेदार है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे आपके। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, और आगे आने समय में इसी प्रकार रसायन यानी केमिस्ट्री का और रसायन विज्ञान का और फिजिक्स का भौतिकी का वीडियो आएगा, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा का, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।